हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये आज मॉर्निंग का व्लॉग है और आज सुबह से मुझे बहुत सारे काम हैं क्योंकि आज मुझे जाना है सुहागली में और साथ साथ कुछ कुछ बनाना भी है। जैसे कि मुझे जो परसों डोसे का बैटर रखा था उसकी इडली बनानी थी और सांभर नाश्ते पे मैंने वही बनाया था। फिर उसके बाद मुझे गुन्नू को भी तैयार करना था, खुद भी तैयार होना था, तो जल्दी जल्दी तब हो रहा था आज। और यहाँ पे हम सब जा रहे हैं सुहागले में गोपी डग्गे से। ये मैं बैठी हूँ ये हम सब कोई जा रहे हैं आज सुबह सुबह मंदिर। और ये हम वहाँ पहुँच भी गए हैं। ये बहुत प्यारा मंदिर था, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा मंदिर है ये माता जी का है। बहुत ही अच्छा लगा जाके वहाँ पे। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है मंदिर, देखिए फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि मंदिर कैसा लगा आपको। ये यहाँ पे बाजू वाली दीदी तैयारी कर रही है पूजा की सुहागली की। और ये मंदिर के पास खड़ी हुए, ये मंदिर ही है अभी, सॉरी अंदर ही है ये सब। और देखिए मैं दिखा रही हूँ कितना प्यारा मंदिर है। ये मैं हूँ, आज मैं ग्रीन कलर की साड़ी पहन के गई थी और पीछे पीछे गुन्नू है मेरा। गुन्नू को बताना पड़ता है अभी कि राधे राधे बोलो, और वो मेरे साथ ही साथ लगा हुआ था परिक्रमा करने में, पूजा पाठ करता है मेरे साथ, उसको अच्छा लगता है। और यहाँ मैं परिक्रमा कर रही थी माता जी का और यहाँ पे नारियल नारियल वगैरह फूटा था। ये मंदिर के बाजू में ही पता नहीं शायद यहाँ पे नंदी जी भी कुछ बन रहा है, शायद घर ही बन रहा है पता नहीं। और यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। फिर हम लोग जा रहे थे, यहाँ पे एक नंदी जी बैठे थे। नंदी जी बहुत बड़े थे और बहुत अच्छे लग रहे थे, हालांकि छोटे भी अच्छे लगते हैं लेकिन बहुत बड़े थे ये, बहुत प्यारे लग रहे थे नंदी जी। और यहाँ मैं पहली बार मतलब मंदिर गई हूँ, बट नंदी जी और शंकर जी भी आगे आएंगे, वो भी बहुत बड़े थे और नंदी जी भी बहुत बड़े थे, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। मंदिर भी मैं एक दो बार ही गई हूँ, ज़्यादा बार तो नहीं गई हूँ। और ये यहाँ पे देखिए शंकर जी कितने बड़े हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बस थोड़ा थकान हो रही थी लौटने के बाद, पता नहीं क्यों जाने आने में ही थक गए थे, बाकी बहुत अच्छा। यहाँ सब औरतें हाथ जोड़ बैठी है तो अगली खाने के लिए वो चश्मे श्याम देखिए बैठे थे तैयारी कर रहे थे। और मिट्टू वाली दादी यहाँ देखिए बैठ गए हैं, मैं ही इनका वीडियो बना रही थी। ये सब बैठी हुई है, इसमें से एक दो लोग मेरी सास लगती हैं, बाकी तो दीदी ही लगती हैं, सब मेरे बाजू में रहती हैं। ये यहाँ पूजा स्टार्ट हो गई है, और मैं गुन्नू को इशारा कर रही थी किसी चीज़ के लिए। ये यहाँ पे खड़ा मस्ती कर रहा है गुन्नू, कुछ कुछ पूछ रहा था बुलबुल से। बुलबुल मेरे बाजू में रहती है, जो दीदी सुहागली कह रही है उनकी बेटी, उसी से कुछ दरबार में लगा था वो। और यहाँ हम लोग सबको सुहागली की पूजा करने बैठे हुए थे, मैं कुछ इशारा कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, क्या बोल रही थी।
यहाँ मगन है हम सब पूजा पाठ में। बहुत अच्छा लगा माता जी के मंदिर में, दिल खुश हो गया। और इस माता में कहते हैं कि जो मतलब इस मंदिर में कहते हैं जो मांगो मिलता है, मतलब ऐसा जो दीदी सोहगली कर रही थी उनका कहना है कि यहाँ पे जो भी मांगो मिल जाता है। उनकी कुछ मन्नत पूरी हुई होगी तो वो यहाँ पे हमेशा सोहगली करती हैं, और इस यहाँ की माता जी को भी बहुत ज़्यादा मानती हैं, इसलिए उन्होंने बोला चलो वहीं करते हैं। गुन्नू को बहुत मज़ा आ रही थी, लगा था नीचे से वो जो लगी हुई है ना स्टील की रेलिंग, उनसे बार बार घुस रहा था अंदर, फिर बार बार बाहर जा रहा था उधर साइड। खूब मस्ती किया, मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। सबसे अच्छी बात तो यही है, यहाँ पे आया है कुछ बोलने के लिए कि मामा मेरे को कुछ ख़रीदना है, कुछ बोल रहा था कि ये ख़रीदो वो ख़रीदो, तो मैं उससे बोल रही थी कि फिर पूजा के बाद अपन चलेंगे तो फिर ख़रीदेंगे। उसको बोल रही थी कि यहाँ से मेरे पास से जाओ नहीं तो आपको मंगी आके कट्टू कर लेगा आपके गल्लू में, तो वही बोल रहा था कि सच में मुझे आके खा लेगा मंगी, तो मैंने बोला हाँ। यहाँ मैं आ चुकी हूँ सोहागले खा के, और बस यहाँ मैं थोड़ा सा आराम कर रही हूँ, काफी थक गई हूँ, और यहाँ मेरा ये गुन्नू खेल रहा है। गुन्नू देखो आप यहाँ पे, हेलो बोल दो, हेलो बोलो लल्ला, नहीं बोलोगे ठीक है, थोड़ा मैं चाय पी लूँ फिर। मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ चाय बनाने, उसके बाद खाने की तैयारी करूंगी शाम के। आज मुझे पूरा दिन ही वहां पे लग गया और मैं काफी थक भी गई हूँ। हाँ गुन्नू, क्या बना दूँ? बॉल। ठीक है, हाँ पहले राधे राधे बोलो। राधे राधे। अच्छे से बोलो तुम्हें बेटा, लव यू बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो ऐसे नहीं बोलते, हेलो ऐसा बोलो। मेरी चाय यहाँ पे चढ़ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अदरक किस के रखा है वो अभी चाय में डालूंगी। और आज मैंने इडली बनाई थी जिसमें से दो बची हैं इडली भी, और हालांकि मैं आज खाई नहीं थी क्योंकि मेरे को सुबह सोहागले में जाना था, और बैटर भी थोड़ा ही था, डोसा से बचा हुआ बैटर था वो, तो हो गया थोड़ा सा बनाया था मैंने। और यहाँ मेरा ये गुन्नू क्या कर रहा है, गुन्नू क्या कर रहा है? ये बेडशीट निकाल के रखी हूँ मैं आज क्योंकि मुझे इसे धोना है, गंदी हो गई है। गुन्नू बात करना है क्या? आज हमें बहुत मजा आया, हम मंदिर गए थे, मंदिर दूर है बट मैं बहुत थक भी गई हूँ लेकिन मजा बहुत आया। ये मेरी चाय बन चुकी है और मैं यहाँ पे ये चाय ले आई हूँ, थोड़ा ठंडी हो जाए फिर पीती हूँ। आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बहुत थकान लग रही है आज मुझे, समझ में नहीं आ रहा कितनी थकान लग क्यों रही है, जबकि ना तो वहाँ पे कुछ काम था, सिर्फ गए और आए बस हैं, फिर भी थकान लग रही है। यहाँ मैं किचन पे आ चुकी हूँ और आज मेरा चावल थोड़ा ज्यादा बन गया था, मैंने खाया भी नहीं है क्योंकि वहाँ से पूड़ी उड़ी खा के आए थे सोगली के बाद, तो थोड़ा चावल आज मेरे से ज्यादा बन गया था,
तो रखा हुआ है। तो अब चलिए चावल का थोड़ा मेक ओवर कर लिया जाता है, नहीं करो गुनू, चावल का थोड़ा मेक ओवर कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए जिसके लिए हम, और ये यहाँ मेरे पीछे पीछे लगा हुआ है, चलिए जिसके लिए मैंने दो प्याज काट के रखे है यहाँ पे, और दो टमाटर भी पीस लूंगी अभी, टमाटर की प्यूरी बना लूंगी, उसके बाद बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर पीस लिया है और मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे चावल का मेक ओवर करें। यहाँ पे दो चम्मच घी, दो चम्मच घी और थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं। उसके बाद कढ़ाई लगाने पे हम इसमें जीरा, बोलो बेटो, थोड़ा सा जीरा, और मैं ये तीन सूखे मिर्च डाल दूंगी लाल वाले, ताकि मेरा गुन्नू खा सके, बहुत तीखा हो जाएगा, स्पाइसी हो जाएगा तो वो नहीं खाएगा। चटक जाने पे यहाँ ये मिर्च डाल देंगे, ठीक है मिर्च नहीं डाल रही मैं, ठीक है। और यहाँ मेरी ये चाय रखी हुई है, फिर से बनाई है मैंने अभी, फिर मैं यहाँ पे मिर्च के हो जाने के बाद प्याज डाल दूंगी, प्याज होगी, प्याज को थोड़ा सा लाल करने के लिए इसमें नमक डाल दूंगी, ताकि प्याज जल्दी से लाल हो जाए। यहाँ मेरी ये प्याज लाल हो गई है, हम इसमें टमाटर डाल देंगे जो यहाँ पे पीस के रखी हूँ। होने के बाद हम इसमें हल्दी और धनिया डाल देंगे, टमाटर हो चुके हैं देख सकते हैं आप, तेल मसाला छोड़ने लग, सॉरी मसाला तेल छोड़ने लग गया है, मैं क्या बोल रही हूँ, मसाला तेल छोड़ने लग गया है। और अब हम इस स्टेज में इसमें धनिया, सॉरी हल्दी, हाँ बेटा, अब इसमें हल्दी हो गई, हल्दी डालने के बाद अब हम इसमें धनिया डालेंगे, दो चम्मच ढाई चम्मच अपने अंदाज से, जितना आपको मसाले में समझ आया, ये मैंने धनिया डाल दिया। अब इस स्टेज में थोड़ा सा नमक हम और डालेंगे, क्योंकि चावल में हमारे नमक नहीं है, जब तक धनिया इसमें थोड़ा सा मसाले में भून जाए, फिर हम इसमें इमली का पॉपकॉर्न डालेंगे, थोड़ा सा इसमें धनिया भून जाए, उसके बाद धनिया भी इसमें अच्छे से भून चुकी है देख सकते हैं आप। फिर हम इसमें ये जो इमली का पल्प है ये डालेंगे, फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरे चावल की क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा है,
तो हम इसमें एक गिलास पानी डालेंगे। चावल के हिसाब से ही हमें इसमें पानी डालना है। इसको इसमें उबाल आने के बाद फिर हम इसमें चावल डालेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं आप, अगर आपको लगे कि इसमें थिकनेस ज़्यादा है तो थोड़ा सा पानी हम और डाल सकते हैं। इसमें उबाल आने के बाद फिर हम ये चावल इसमें ट्रांसफर कर देंगे। इसमें उबाल अच्छे से आ गया, आप देख सकते हैं। और यहाँ मैंने आटा रखा है, अभी मैं आटा गूंथूंगी क्योंकि पापा के लिए रोटी बनानी पड़ेगी। और ये जो चावल है हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। हम चावल को इसमें ट्रांसफर कर लिए हैं और इसको हम हिला देंगे। ये हमारा चावल तैयार है, इसे आप खा सकते हैं, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और अब हम इसमें, अभी तो हालांकि हमारी गैस में ही है, अभी हमने गैस की फ्लेम बंद नहीं की है, जब ये थोड़ा सा और पक जाए तो इसमें हम धनिया पत्ती डाल के इसको गार्निश कर देंगे और खाने के लिए तैयार है। ये है हमारा चावल, खाने में काफी टेस्टी लगता है, प्लीज इसको जरूर बनाइएगा। क्या कर रहे हो गुन्नू, गुस्सा हो क्या, गुस्सा हो गए हो? अरे क्यों गुस्सा गुस्सा क्यों बेटू आप? ठीक है, मैं भी बात नहीं करूंगी आपसे, ठीक है? नहीं, हमने चावल खा लिया है और गुन्नू ने नहीं खाया है क्योंकि उसको थोड़ा सा तीखा लग रहा था। तो मैं जा रही हूँ गुन्नू को पराठे सेकने। और अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय, कर लो बाय। वो गुस्सा है।